नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। एशिया कप में आज भारत का दूसरा मुकाबला हांगकांग की टीम से है। आज का मैच जीतकर भारत सुपर चार में अपनी जगह पक्की करना चाहेगा। वहीं हांगकांग भी चाहेगा कि भारत को कड़ी टक्कर दे। वहीं भारतीय टीम चाहेगी कि उनके जो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है इस मैच में अपनी लय को हासिल कर लें। भारत और हांगकांग के बीच यह पहला T20 मुकाबला होगा। इससे पहले भारत और हांगकांग ने सिर्फ 2 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें दोनों बार भारत ने जीत हासिल की है। पिछले मुकाबला 2018 एशिया कप में हुआ था, जिसमें भारत ने 26 रन से जीत हासिल की थी। अगर आज की मैच की बात करें तो भारत के टॉप ऑर्डर, जिसमें KL राहुल, रोहित शर्मा आज बड़ा स्कोर बनाने को देखेंगे। वहीं विराट भी चाहेंगे कि अपनी फॉर्म को बरकरार रखे। पाकिस्तान के खिलाफ विराट ने 35 रन बनाए थे। वहीं भारत इस मैच में प्लेइंग 11 में बदलाव भी कर सकता है। जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला है उन्हें मौका दे सकते हैं, जैसे रवि अश्विन या फिर रवि बिश्नोई को या फिर बल्लेबाजी में ऋषभ पंत को। वहीं हांगकांग की टीम में भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिसे भारत को संभल कर रहना होगा, क्योंकि जब आखिरी बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तब हांगकांग के मौजूदा कप्तान निजागत खान ने 92 रन की शानदार पारी खेली थी और उनका हालिया फॉर्म भी शानदार रहा है। पिछले 5 मैचों में निजागत खान ने 3 अर्धशतक लगाए हैं। इनके अलावा बल्लेबाजी में बाबर हयात पर भी सबकी निगाहें होंगी। वहीं गेंदबाजी में एहसान खान भी अच्छी फॉर्म में है। उन्होंने पिछले 3 मैचों में 9 विकेट हासिल किए हैं। बेशक हांगकांग की टीम भारत के सामने कमजोर टीम दिखती है, लेकिन उसने क्वालिफायर मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था। वैसे आपको बता दें कि हांगकांग की टीम में ज़्यादातर प्लेयर्स पाकिस्तान और भारतीय मूल के हैं। आज का मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा 7:30 बजे से। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।